भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी और बमबारी की घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जानकारी के मुताबिक खाद व्यवसायी से रंगदारी मांगने के रूपेश यादव पहुंचा और रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी पर गोली चला दी। इस घटना में व्यवसायी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नाथनगर थाने को दी। जानकारी मिलते ही नाथनगर थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुँच कर और मामले में जाँच में जुट गई। आज नाथनगर सब्जी मंडी में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला जलाकर व्यापारियों ने विरोध का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व से ही नाथनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैला रखा है, जिसको लेकर व्यापारी ने जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलते ही SSP सब्जी मंडी पहुंचे और आक्रोशित दुकानदारों को समझा बुझाकर अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने की बात रखी। व्यापारी वर्ग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गोलीबारी करने वाले अपराधी रूपेश यादव पूर्व में कई मामले को लेकर जेल भी जा चुके हैं, लेकिन पागल के सर्टिफिकेट और नाबालिग के साथ ही टिकट बनाकर पुलिस की चंगुल से छूट जाता है और फिर से वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। पावर्ड बाय मंजी किचन, इंडिया की बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। हम लोगों ने इस एरिया में फ्लैग मार्च किया है और व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यदि होती है तो वो हम लोगों को सूचित करें, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। कल प्राथमिकी दर्ज भी की गई है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं जी। कल जो मामला प्रकाश में आया था उस बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस की लगातार छापेमारी कर रही है। जी, उसके लिए टीम गठन किया गया जिसमें ललमटिया, नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना प्रभारी है। मैं स्वयं इस टीम की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया भी इस टीम की मॉनिटरिंग कर रही है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।